Hello students, how are you? I hope you all are fine and welcome you once again in your science class. As you know, in previous video, we are discussing about lesson number one, my body, and our topic was sense organs. Okay, in that topic, we have discussed about the one sense organ, that is eyes. In previous video, we are discussing about that where it is present and what is the structure of eye. Now, today we will discuss about the other sense organs present in our body and how they work. Now, the first of all, we start from the nose. There are the nerve endings present in the nose which carry message about any chemical substance, odor or fragrance that enter the nose. What does it mean? ये क्या कह रहा है कि हमारी नोज के अंदर नर्व एंडिंग्स कि हमारी जो नोज़ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है नर्व्स होती हैं कुछ नसें होती हैं एंड में प्रेजेंट होती हैं और इन नर्व्स एंडिंग्स का इन नर्व्स एंड नर्व की जो एंडिंग्स हैं यानी कि जो एंड में प्रेजेंट होती हैं इन्हीं का ही फंक्शन होता है कि ये क्या कहती हैं कैरी करती हैं मैसेज को क्या इनका फंक्शन है दे कैन कैरी मैसेज अबाउट एनी केमिकल सब्सटेंस यानी कि जब कभी भी कोई चीज़ आपकी नोज़ के पास आती है यानी कि आप कभी भी कोई स्मेल होगी किसी चीज़ की या फ्रेग्रेंस होगी खुशबू होगी आप उसको स्मेल करते हैं ठीक है तो वो मैसेज कौन लेके जाता है ये नर्व एंडिंग्स और लेके कहाँ जाती हैं ये जो नर्व एंडिंग है दीज आर प्रेजेंट इन अवर नोज़ और वो उसको लेकर कहाँ जाती हैं हमारे ब्रेन में ओके तो दीज नर्व एंडिंग्स जो हैं ये लेकर के जाती हैं और लेके कहाँ जाती हैं हमारे ब्रेन में क्लियर ये नर्व एंडिंग जो है मैसेज को लेकर जाती हैं हमारे ब्रेन में ओके एंड फिर इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं दिस एनेबल अस टू स्मेल द डिफरेंट सब्सटेंसेस फिर हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्मेल कर सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द नोज द नेक्स्ट इज अवर ईयर्स ओके ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स अब आप सोचेंगे कि थ्री पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है आई एम शोइंग यू कि किस तरह से थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है लुक एट हियर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स दिस इज ह्यूमन ईयर एंड दिस इज द ईयर ऑफ एलिफेंट दिस इज द ईयर ऑफ कैट एंड दिस इज द ईयर ऑफ आई थिंक इट इज अ रैबिट और आई थिंक रैबिट ओके तो दीज आर एवरी human being and different animals have different type of ears but the function of ear is the similar function of ear is the same kis kya function hai it help us to hear lekin hamara jo ear hai as I am saying it is divided into three parts the number one is outer ear number two is middle ear and number third is inner ear ab jaise ki three parts mein divided hai to tino ka function bhi alag alag hai okay तो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन ये आपको विजिबल है आई एम शोइंग यू अ पिक्चर यू कैन लुक एट द पिक्चर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर ये जो आपको पोर्शन विजिबल है ये जो ब्राउन पोर्शन विजिबल है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दिस वन और ये जो अंदर तक जा रहा है दिस वन दिस पोर्शन इज कॉल्ड आउटर ईयर कि जहाँ जितने पोर्शन में भी आपको ये ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है ओके तो दैट पोर्शन इज योर आउटर ईयर उसके बाद जहाँ पे भी ये पिंक कलर है या पर्पल कलर जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ योर मिडल ईयर एंड द फिर ये जो अंदर वाला जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है डेट इज़ योर इनर ईयर तो दिस इज़ द पोर्शन ये वाला जो पोर्शन है ये आपको सिर्फ बाहर से विजिबल होता है जिसको आप बाहर से देख सकते हो ओके ये आपकी कैनल है ये भी आपको नज़र आती है लेकिन उसके बाद का जो ये पोर्शन है हमारा यहाँ पे ये ईयर ड्रम है जिसको हम बोलते हैं ना कान का पर्दा है हमारा डेट इज़ योर ईयर ड्रम फिर ये कुछ हमारी अंदर की बोन्स हैं दीज आर ऑल्सो द ब्लू पोर्शन इज़ योर इनर ईयर दिस इज़ योर मिडल ईयर एंड दिस वन इज़ योर आउटर ईयर आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारा अंदर का जो स्ट्रक्चर है ईयर का अब एज आई टोल्ड यू कि थ्री पार्ट्स है तो तीनों पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन हैं लाइक जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है आउटर ईयर ओके इसका क्या फंक्शन है हमारा जो आउटर ईयर है एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं हम इसको इसका मेनली क्या फंक्शन है ये क्या करता है डायरेक्ट द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर यानी कि ये सारी के सारी वेव्स को बाहर से जो भी साउंड वेव्स आती हैं ये यहाँ से ऐसे इकट्ठा करता है उनको कलेक्ट करता है और डायरेक्शन देता है कि यू हैव टू गो टू द मिडल ईयर कि आपको कहाँ पे जाना है मिडल ईयर में जाना है
क्लियर. ये वाला जो पोर्शन है हमारा जो आउटर ईयर है ये आपको बाहर से विजिबल होता है दिस पोर्शन, या ये वाला जो ईयर है हमारा एक्सटर्नल ईयर भी कह सकते हो, इसको आउटर ईयर भी बोल सकते हो, ये सारी की सारी वेव्स को कलेक्ट करता है और इसको डायरेक्ट करता है फिर अंदर जाता है कहाँ पे हमारे मिडल ईयर में. क्लियर. फिर मिडल ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा आता है इनर, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, हिंदी में हम इसको कान का पर्दा भी बोलते हैं. और ये बाकी की जो तीन मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या करती हैं, फिर वो सारी की सारी जो वाइब्रेशंस हैं जो बाहर से आती हैं उसको ये कलेक्ट करती हैं. ओके. एंड कलेक्ट करके फिर वो उसको कन्वे करती है मैसेज को. क्लियर. द मिडल ईयर जो है उसमें आपके ईयर ड्रम हो गया और थ्री बोन्स होगी, ये सारी की सारी वाइब्रेशंस को ले लेती हैं और फिर आगे सेंड करती हैं हमारे इनर ईयर के पास, यानी कि इस ब्लू वाले पोर्शन में. क्लियर. और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसका क्या काम होता है इनर ईयर का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका इंपॉर्टेंट पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, इट हेल्प अस टू हियर, एक तो ये सुनने में भी हेल्प करता है एंड सेकेंड चीज इट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी.